विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई। अभिभाषण में सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि किसान की कड़ी मेहनत और सरकार के प्रयासों के कारण आज गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का दूसरे नंबर का राज्य बन गया है। इसके अलावा औषधियों, अमरूद, लहसुन में पहला और संतरा, मटर, प्याज, धनिया उत्पादन में देश का तीसरे नंबर का राज्य बन चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कार्रवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल राम नरेश यादव ने अभिभाषण के कुछ हिस्सों को पढ़ा और फिर उन्हें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने विदा किया। अभिभाषण में 154 बिंदुओं में सरकार ने अपनी उपलब्धियों को बताया है। शुरुआत में पंचायत और नगरी निकाय चुनाव के शांतिपूर्ण संपन्न होने का हवाला देते हुए उनके परिणामों को सरकार के प्रति जनता के पुख्ता विश्वास का प्रमाण बताया गया। साथ ही कहा है कि सरकार अपने जनसंकल्प 2013 और विजन 2018 के क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में प्रदेश में गरीब कल्याण वर्ष मनाए जाने की बात कही। शहरी और ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को आवासीय पट्टे देने और अन्य सरकारी योजनाओं का प्रभावी ढंग से लाभ देने का अभियान चलाने का उल्लेख किया। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि वर्ष 2003-04 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1,02,000 करोड़ था, जो 2014-15 में 4 गुना बढ़कर 5,08,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पादन में 10.19% की वृद्धि के साथ मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 राज्य रहा। मेरी सरकार जनता के खरा उतारने की दिशा में उत्तरोत्तर अग्रसर है। सरकार जनसंकल्प 2013 और विजन 2018 के क्रियान्वयन के लिए पूरी तत्परता से कार्य कर रही है। मुझे विश्वास है कि सरकार दिशा में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ये विधायी सदन देश के लोकतांत्रिक परिदृश्य में अपनी गौरव वाले विधायी और संसदीय परंपराओं के लिए जाना जाता। मुझे उम्मीद है वर्ष 2016-17 इस परंपरा में मील का पत्थर प्रमाणित होगा। यह दिन विधानसभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 24 फरवरी 2016 को प्रातः 10:30 बजे तक के लिए थी। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।